एक और सवाल है आपसे दर्शकों के लिए, हम ये जानना चाहेंगे कि एक तरफ तो सर्वे हुआ, सर्वे रिपोर्ट सामने आ गया, बकायदा जो हिंदू पक्ष का दावा है कि वहां से शिवलिंग मिला, तमाम जो हिंदू चिन्ह है वो मिले, लेकिन आज जो फैसला है क्या वो एक लाइन का फैसला होगा कि ये मामला मेंटेनेबल है या नहीं, या फिर सर्वे से जुड़ी बातें भी आज के इस फैसले में हो सकती हैं? विष्णु जैन नहीं, देखिए सर्वे से जुड़ी हुई कोई बात इस फैसले में नहीं होगी। उसका कारण ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर बड़ा क्लियर था कि यहाँ पे आप 7/11 की एप्लीकेशन को प्रायोरिटी बेसिस पे डिसाइड करें, तो उसी एप्लीकेशन को आज माननीय न्यायालय डिसाइड करने वाला है। तो सर्वे के लिए ऑलरेडी माननीय न्यायालय ने मुस्लिम पक्ष के लोगों से, मस्जिद कमेटी से उनका ऑब्जेक्शन मंगाया है, तो अभी उस पर कोई निर्णय नहीं आना है। आज जो निर्णय आना है वो जो मस्जिद कमेटी ने एप्लीकेशन दी है 7/11 की, ये कहते हुए कि ये केस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बाधित है, वफ एक्ट से बाधित है, आज उन मुद्दों पे फैसला आना है। और उन सारे मुद्दों को मैंने आपके सामने, आपके दर्शकों के सामने क्लैरिफाई करने की कोशिश की है, प्रयत्न किया है, कोर्ट के सामने अपने लीगल आर्ग्यूमेंट्स रखने का प्रयत्न किया है, और यही बात कही है कि नवंबर 1993 तक हम वहां पे उस तथाकथित मस्जिद के कब्जे में थे, व्यास जी हमारे उस तहखाने में पूजा करते चले आ रहे थे, और आज जब शिवलिंग मिला है तो इस जगह का धार्मिक स्वरूप एक हिंदू मंदिर का है, और यहाँ पे वफ एक्ट अप्लाई नहीं होता है क्योंकि वफ का कोई भी डॉक्यूमेंट मुस्लिम पक्ष कोर्ट के सामने नहीं रख पाया। तो हमारा ऐसा मानना है कि 7/11 की एप्लीकेशन उनकी रिजेक्ट होगी और कोर्ट हमें ये अवसर देगा, मौका देगा कि इस केस में हम एविडेंस लीड कर सकें, और जो भी हम हिस्टोरिकल बुक्स बता रहे हैं जिसकी सेक्शन 57 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में एक एविडेंट्री वैल्यू है, वो सारी बातें हम कोर्ट के पटल पे रख सकें। लेकिन विष्णु जैन जी, जो मुस्लिम पक्ष है वो दीन मोहम्मद के केस से लेकर के वक्फ तक में इस संपत्ति के दर्ज होने की बात करता रहा है, आपको लगता नहीं है कि उनके उनके केस में भी दम है? और ये आप कह ले तो लगातार वहां वो उस मस्जिद में नमाज होती आई है वो बहुत अरसे से, सालों से, दशकों से, तो आखिर जब 1991 का जो वर्शिप एक्ट है उससे ये कवर है, तो ये मुस्लिम पक्ष के हक में ये फैसला क्यों नहीं जा सकता? देखिए, इसलिए नहीं जा सकता है क्योंकि किसी भी जगह नमाज पढ़ लेने से कोई जगह मस्जिद की नहीं हो जाती है। ये बात मैं आपके सामने बहुत संजीदगी से कहना चाहता हूँ कि आज तक किसी ने हमारे हिंदू लॉ को अप्रिशिएट नहीं किया। राम मंदिर के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बात लिखी है कि अगर एक बार मंदिर बनाने का कोई संकल्प ले लेता है और वहां पे मंदिर बन जाता है तो वो समय के अंत तक मंदिर रहता है। पर दुख इस बात का है कि लोग सिर्फ यही समझते हैं कि वंस अ मॉस्क ऑलवेज अ मॉस्क, वंस अ वफ ऑलवेज अ वफ। पर जो हमारा हिंदू लॉ है, जो ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस बीके मुखर्जी साहब ने लिखा है, जो पीवी कार्ने जो भारत रत्न रहे उन्होंने लिखा है, उस बात को कोई अप्रिशिएट नहीं करता है, जहां पे स्पष्ट रूप से बात लिखी गई है कि एक बार अगर कोई संपत्ति मंदिर की होती है, देवता में निहित करती है कि तो वो समय के अंत तक देवता की रहती है। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि जो आप हमारे मंदिर में अगर आके नमाज पढ़ लें तो कभी भी मंदिर का धार्मिक स्वरूप उससे खत्म नहीं हो जाता है। तो ये सारी बातें हमने कोर्ट के पटल पे रखी हैं और कोर्ट हमें मौका देगा तो आगे हम एविडेंस लीड करके साबित करेंगे कोर्ट के माध्यम से कि यहाँ पे धार्मिक स्वरूप इस जगह का 15 अगस्त 1947 और उससे पहले टाइम इमेमोरियल से इस जगह का धार्मिक स्वरूप एक हिंदू मंदिर का था। यहाँ पे हिंदू समाज के लोग मंदिर टूटने के बाद भी बराबर पूजा करते चले आ रहे थे। वो सारे हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स और प्रूफ्स कोर्ट के पटल पे रखे जाए। जी बिल्कुल, ओवर टू अर्पिता। कुमार अभिषेक भी हमारे साथ है, चित्रा भी हमारे साथ है, और विष्णु शंकर जैन जो कि वकील है इस पक्ष के। सर देखिए, आप कोर्ट में रहे, आपने सारी दलील दी, एक एक चीज आप जो कह रहे हैं कि हमने बहुत सारी चीजें पॉइंटर्स में लॉजिकली कोर्ट रूम में रखी हैं, जो आप जिक्र कर रहे हैं कि जो सबूत, जिस बात की बातें जो मुस्लिम पक्ष की तरफ से कही जा रही थी उनके सबूत वो नहीं रख पाए। जैसे उन्होंने दलील दी थी कि वक्फ प्रॉपर्टी है, इसका नाम शाही मस्जिद आलमगीर है, इसके क्या वो कोई सबूत नहीं रख पाए थे कोर्ट में? देखिए, बहुत आपने इम्पोर्टेंट सवाल पूछा है अर्पिता जी। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो दीन मोहम्मद का फैसला हुआ था, जैसा कि अभी कुमार जी यहाँ पे बता रहे थे, उस फैसले में भी वो कोई वफ का यहाँ पे प्रूफ नहीं दे पाए थे। ये दीन मोहम्मद के जजमेंट में भी रिकॉर्डेड है। साथ ही साथ जो इस केस की बात है, जहाँ पे 2002 के बाद ग्रेजुअली मुस्लिम पक्ष ने अपना केस इम्प्रूव करने की बात करी, और जो उन्होंने वफ के डॉक्यूमेंट दिखाए हैं वो आलमगीर मस्जिद के लिए दिखाए हैं, जो दूसरी मस्जिद है, क्योंकि उनका खुद का केस है दीन मोहम्मद में। हर जगह इस मस्जिद को वो जो डिस्क्राइब करते हुए आए हैं, वो ज्ञान व्यापी मस्जिद के रूप में डिस्क्राइब करते चले आए हैं। कभी भी उस मस्जिद का नाम उन्होंने आलमगीर मस्जिद नहीं कहा है।
तो पहली बार एक दूसरी मस्जिद की एंट्री को यहाँ पे पढ़ने की कोशिश की जा रही है, जिसके खिलाफ हमने कोर्ट को उसको कोर्ट को अप्राइज किया और ये बात कही कि यहाँ पे कोई खसरा नंबर भी नहीं मेंशन है। मैं उस डॉक्यूमेंट की बात कर रहा हूँ जो इस कोर्ट की हियरिंग में मुस्लिम पक्ष ने वफ का एक रजिस्टर दिखाया है, जहाँ पे वफ नंबर 100 के सामने मस्जिद आलमगीर लिखा हुआ है और कोई खसरा नंबर भी नहीं लिखा है। तो उसी माध्यम से, उस पर्सपेक्टिव से मैं आपके सामने ये बात रख रहा हूँ कि ज्ञान व्यापी मस्जिद का वफ के रूप में कभी भी कोई दर्ज नहीं है, कोई इंदिराज नहीं है खसरा नंबर 9130 का, और ये सारी बातें हमने कोर्ट के पटल पे रखी है। और ये सारी कवायद मुस्लिम पक्ष इसलिए कर रहा था, विष्णु जी ये मैं सारा बहुत छोटा सा एक सवाल आपसे और पूछना चाहती हूँ। जिस फव्वारे को लेकर जिक्र चल रहा था कि ये फव्वारा है, मुस्लिम पक्ष की तरफ से दावा हो रहा था, जो कैसे चलता रहा, अगर ये 20 साल पहले भी चल रहा था या 100 साल पहले, जितने साल का दावा मुस्लिम पक्ष कर रहे हो, क्या वहाँ कोर्ट रूम में इस पर भी चर्चा हुई और कुछ साबित हो पाया इस लिहाज से? क्या नहीं, हमने कमीशन की रिपोर्ट में कोर्ट में कोई चर्चा नहीं की है, ठीक है, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन है वो सिर्फ ऑर्डर 7 रूल 11 के एप्लीकेशन को प्रायोरिटी बेसिस पर डिसाइड करने का था। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विष्णु जैन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।